झारखंड के साहेबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा के इस्लामपुर स्थित मंत्री के आवास प्रांगण में प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से शहीदों के सलामी के रूप में सलाम दिवस मनाया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आज पूरे देश में शहीदों के सलाम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में सभी शहीदों को उनका नमन। इसके साथ ही आलमगीर आलम कहना चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा और अमन चैन के लिए वीर जवानों ने जो साहसिक काम किया है वह भारत के लिए गौरव की बात है। आलमगीर आलम भारत सरकार से जानना चाहते हैं कि भारत की भूमि को चीन ने किस तरह से कब्जा कर लिया है। इससे भी बड़ा सवाल है कि हमारे निहत्थे सैनिक पर वार किया गया है, जबकि सैनिक हमेशा अपना हथियार लेकर चलता है। चीन भारत के भूमि पर कब्जा कर लेता है लेकिन भारत सरकार कभी भी मीडिया के सामने नहीं बताता है। जबकि भारत और चीन के बीच झड़प होती है तब मामला दुनिया के सामने आता है। आलमगीर आलम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसे जल्द से जल्द खाली करवा कर अपने हाथ में ले। इस मौके पर मोहम्मद मुफक्कर हुसैन, भोलानाथ मेहता, मोहम्मद एजाज, नवीद अंजुम, मिथुन कुमार मंडल, हरिलाल शाह, रविउल इस्लाम, तपेश्वर शाह, शाह नवाज नसीर, विष्णुमाल सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्पीक अप आवर मर्टिरिस, शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी की आप सब जानते हैं, 15-16 तारीख को गलवारी वैली में जो चाइना सैनिक और भारत के सैनिकों में जो मुठभेड़ हुआ है, और इस मुठभेड़ में 16 तारीख को बी संतोष बाबू समेत 20 शहीद जो है शहीद हो गए। और इसमें आपके माध्यम से भारत सरकार से हम जानना चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि में किस तरह चीन ने कब्जा जमाया, और उसके साथ साथ जो सैनिक ने अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश के अमन और चैन के लिए जो वीरता के सहित जो काम किए हैं, जो अंजाम देने के काम किए हैं, और निहत्ता, इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि हमारा सैनिक हमेशा अपने हथियार के लिए रहते हैं, लेकिन उस दिन का वाकया को अगर देखा जाए तो सारे के सारे सैनिक जो है कोई आर्म्स के साथ नहीं था। ये एक गंभीर विषय है। आज पूरे देश के जहाँ भी सीमावर्ती देश हैं, उस देश सीमावर्ती इलाकों को अगर हम देखते हैं तो हमको देखता है भारत सरकार का असफलता ही हमको दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से सीमा सुरक्षा बल के लिए और सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई जो प्लान होना चाहिए उससे कोई कार्यक्रम वैसा कोई स्कीम नहीं लिया गया जिसके चलते इस तरह का हादसा होता है। आज चीन हमारे देश पर कब्जा मन जमीन भरप लिया है, लेकिन मीडिया के सामने भी एक बार भी सरकार की ओर से नहीं आया है। जब 15-16 तारीख को जब हादसा हुआ तब देशवासी को जानकारी होता है। तो आज हम डिमांड करते हैं भारत सरकार से, जो चीन ने हमारी जमीन को हड़पा है उस जमीन को कब तक वो बेदखल करते हैं चीन को, यही होना चाहिए। हम आप लोग से माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री से डिमांड रखना चाहते हैं कि जो चीन ने जो हमारी जमीन दखल किया है कब तक हमारी जमीन को खाली करा पाएंगे, ये हम भारत सरकार से डिमांड करते हैं। धन्यवाद। झारखंड से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।